Today my topic is based on the symbol used in a set. As we already know that there are certain symbols which are used when we form the set builder notation. जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि set builder notation हमेशा ऐसे sets की form होती है जो कि symbols की सूरत में लिखे जाते हैं. तो यहाँ पर कुछ ऐसे symbols हैं जो कि आपको समझाना लाजमी है ताकि आप जब कोई सेट को सेट वैल्यू नोटेशन फॉर्म में चेंज करें तो उसको हम सिंबल्स किस किस तरीके से यूज करेंगे तो वो आप लोगों को उसको पहचानना और लाजमी जानना जरूरी है. फर्स्ट सिंबल विच इज यूज्ड इन द सेट वैल्यू नोटेशन इज इक्वल्स टू विच यू आर ऑलरेडी नो दैट दिस इज कॉल्ड इज इक्वल्स टू. कोई सेट्स जब कोई दो आपस में उनका डिफरेंशिएट किया जाए या उनको कंपैरिजन किया जाए तो उनके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, इक्वल्स टू की साइन इस्तेमाल करनी पड़ती है. सपोज ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड सी इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 and 5 members. तो हम उसको किस तरीके से लिखेंगे, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि A set is equals to C set. ठीक है, तो ये जो साइन इस्तेमाल हो रही है तो ये आपकी क्या कहलाएगी, is equals to की साइन है. नेक्स्ट आपके पास जो नेक्स्ट आपके पास सिंबल है वो है इज नॉट इक्वल्स टू. यानी इक्वल्स टू को अगर हम कट कर दें तो इसका मतलब क्या होगा, इज नॉट इक्वल्स टू. सपोज ए मेंबर ए ग्रुप कंटेन 1, 2, 3, 4 and 5 एंड बी मेंबर कंटेन 6, 7, 8, 9, 10. अब आप यहाँ पर देखें कि A और B दोनों के अंदर जो मेंबर्स पाए जा रहे हैं कि वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, तो हम ये कहेंगे कि A is not equal to B. नेक्स्ट की तरफ सिंबल की तरफ हम मूव करते हैं. नेक्स्ट सिंबल जो हमारा है वो है मेंबर ऑफ, इज द मेंबर ऑफ. फर्स्ट आपको पहले ही बताएं कि इज द मेंबर ऑफ, एक आपको इस तरीके की जो साइन है ये शो करती है इज द मेंबर ऑफ. अब इस ये किस तरीके से यूज की जाती है, जैसे सपोज ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 and 5 तो इसके अंदर जो आपका जो 3 है वो इसका मेंबर है, 4 मेंबर है, 5 मेंबर है और 1, 2 ये सारे मेंबर्स ए से बिलोंग करते हैं. तो हम इसको किस तरीके से शो करेंगे, जैसे सपोज करें मैंने 2 ले लिया तो 2 इज द मेंबर ऑफ, इसको सिंबलाइज्ड फॉर्म में किस तरह लिखा जाएगा, 2 इज द मेंबर ऑफ ए. इन द सेम वे 3 इज द मेंबर ऑफ ए, 1 is the member of A. इसको सिंबलाइज्ड वे में हम इस तरीके से लिखेंगे, 4 is the member of A, 5 is the member of A. तो ये एग्जांपल आपकी क्या कहलाएगी, मेंबर ऑफ. और मेंबर ऑफ के लिए हमारा जो साइन है वो कुछ ई की तरह जो है शो किया जाता है, लेकिन ई जो है आप एजेस बने हुए होते हैं, इसमें कोई एज जो है ई की तरह का नहीं होता, मैं आपको निशानी के तौर पर बता रही हूँ. नेक्स्ट है इज नॉट अ मेंबर ऑफ, या ऐसे इसके नाम से ही आपको जाहिर है इज नॉट अ मेंबर ऑफ. अब यही एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज ए ग्रुप कंटेन्स 1, 2, 3, 4, 5 अगर मैं इसमें ये लिखूं कि 6 इसके अंदर नहीं शामिल, 7 इसमें नहीं शामिल, 8 इसमें नहीं शामिल, तो
जो मेंबर इसके अंदर नहीं होता तो वो हमारा इस साइन से शो किया जाता है, जैसे 6 इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए, 7 इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए, 8 इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए. अभी हम क्योंकि ए ग्रुप की बात कर रहे हैं तो इसी वजह से हमने इस तरीके से साइन से हम शो करेंगे. नेक्स्ट जो हमारे पास साइन है वो हमारे पास है नल सेट. नल सेट पहले भी मैं आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ. नल सेट या एम्प्टी सेट, ये दोनों ऐसे जो सिंबल्स होते हैं जो के क्या कहलाते हैं, नल सेट और इसको हम दूसरे लफ्जों में एम्प्टी सेट भी कहते हैं. अगर कोई भी जैसे अगर कोई ऑपरेशन हम परफॉर्म करें, जैसे ए यूनियन बी का बी मेंबर्स जो है वो 6 7 8 6 7 8 9 10, अगर हम कोई इस तरीके से इंटरसेक्शन हम करें कि ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारे पास क्या कोई मेंबर, मैं जैसे ऑपरेशंस बताए थे तो इंटरसेक्शन में अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो हमारे पास कोई कॉमन मेंबर नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब है कि ये सेट जो है वो बिल्कुल एम्प्टी सेट बनेगा या फिर नल सेट की साइन से शो किया जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू नल सेट. तो ये आपकी साइन जो है वो नल सेट के लिए ये वाला सिंबल इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं. नेक्स्ट जो हमारे पास साइन है या नेक्स्ट जो हमारे पास है सिंबल वो है कुछ इस तरीके का. इसको हम क्या कहते हैं, इज अ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ, इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ. इसको समझाने के लिए फिर मैं आपको वही एग्जांपल दूंगी कि सपोज कि ए ग्रुप कंटेन्स मेंबर्स विच आर 1 2 3 एंड बी ग्रुप कंटेन्स 1 एंड 2. अब आप यहां पर ये देखें, कंपेयर करें कि ए ग्रुप में 1 2 3 है और बी ग्रुप में है 1 2 मेंबर्स. 1 और 2, इसमें भी 1 और 2 शामिल है. 1 और 2 दोनों मेंबर्स ए से बिलोंग करते हैं, ए ग्रुप से बिलोंग करते हैं. इसका मतलब ये है कि बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी के सारे मेंबर्स ए ग्रुप में शामिल हैं. ए तो और भी मजीद इसके अंदर मेंबर है, लेकिन जितने भी टोटल जो मेंबर्स अगर दूसरे ग्रुप के पहले ग्रुप में शामिल हों तो हम उसके लिए एक साइन इस्तेमाल करते हैं, इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ. मतलब कि ये मजीद इसको अगर टुकड़ों में चेंज कर दिया जाए तो वो सबसेट बन जाता है. सबसेट का मतलब ये होता है कि एक ग्रुप के मजीद सेट्स बना दिए जाएं तो वो सबसेट कहलाते हैं. तो बी क्योंकि उसके सारे मेंबर्स ए ग्रुप में शामिल हैं तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए. ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ, नेक्स्ट सिंबल की तरफ, जो के है इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट, इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट, सबसेट ऑफ. अब इसकी एग्जांपल जो है वो किस तरीके से कहलाएगी, जैसे ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल्स टू 0 एंड 4. अब आप यहीं से आप देखें कि क्या 0 और 4 ए ग्रुप में शामिल है, क्या कोई मेंबर बी ग्रुप का कोई ए से बिलोंग करता है. तो अगर कोई बिलोंगिंगनेस नहीं यहाँ पर साबित होती तो हम इसके लिए कहते हैं कि बी इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए. ठीक है, ये मतलब अगर हम ए ग्रुप को मजीद डिवाइड करें या मजीद उसके पार्ट्स बनाएं, मजीद सेट्स बनाएं, तो अगर वो आपका जो है उसके सारे मेंबर्स दूसरे ग्रुप में शामिल हों तो वो आपका सबसेट, प्रॉपर सबसेट कहलाता है. लेकिन अगर कोई भी मेंबर ए से बिलोंग ना कर रहे हों तो फिर, या फिर किसी भी जो मेन आपका ग्रुप है उससे बिलोंग ना कर रहे हों, तो फिर आपका ये क्या कहलाएगा, इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ. ठीक है,
अब नेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं. नेक्स्ट आपका है लाइन डाली है. तो यहाँ पर देखिए ए और बी दोनों के कंपोनेंट्स, दोनों के जो आपके मेंबर्स हैं वो दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी. ठीक है, जब दोनों के दोनों मेंबर्स दोनों ग्रुप्स में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो, इक्वल हो, तो इसके लिए यानी जो ए के जितने मेंबर्स हैं वो भी बी के अंदर इंक्लूड है. अगर हम इसके मजीद सबसेट्स करें तो आपके क्या करेंगे, ये जाहरी बात है इनके सारे सबसेट्स बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही होंगे. तो ये वाला जो सेट बनेगा, ये वाला जो ऑपरेशन जो लिखा जाएगा, या फिर ये वाला इस तरीके से सिंपलाइज फॉर्म में जो लिखा जाएगा, वो किस तरीके से लिखा जाएगा कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी. ठीक है, आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. कमेंट्स में आप लोग जरूर मुझे बताइएगा कि आपको क्या क्या मजीद लेक्चर्स समझने की जरूरत है.